बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कराची बिरयानी बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रीट जैसी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। ऑथेंटिक रेसिपी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे, इतनी अमेजिंग ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस टेस्टी और सुपर डिलीशियस बिरयानी को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को गरम करना है, उसमें आधा कप तेल डालना है और तेल को अच्छे से गरम होने देना है। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। तो बिरयानी में अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 3 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। फिर यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तो इस बिरयानी में टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो 4 मीडियम साइज़ का टमाटर है, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का है तो आप 3 ले लें, और 4 से 5 हरी मिर्च ले लें। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें इसमें। और इसको हमने पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाता। तो इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, तो टमाटर बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है नमक डालने से। आधा टीस्पून के बराबर नमक डालेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि यह सॉफ़्ट नहीं हो जाता। फ्लेम को थोड़ी देर के लिए मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और 5 से 7 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गया। इसे थोड़ा सा ये चम्मच से देखिए इस तरह से मैश कर लेना है ताकि बड़े बड़े चंक्स ना रहें टमाटर के। फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू करेंगे छील के, फिर उसको कट करके ऐड करना है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून ही नमक है। तो सारे पाउडर मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो आधा किलो चिकन है, चिकन को अच्छे से धो के पहले उसका पानी निकाल लेना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन और आलू सारी चीज़ मसाले में अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, तो इसके लिए सब हम साथ में ही ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू भी बराबर से जब तक चिकन गलेगा तो आलू भी जब तक गल जाएगा। तो फिर उसी के साथ हम डालेंगे आधा कप दही। तो दही अगर खट्टा भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये बिरयानी का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टमाटर होता है, दही होती है। तो अगर आप ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं तो इसमें तली हुई प्याज बिल्कुल ऐड ना करें, लेकिन मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके ऐड करूँगी। आधा कप पुदीना बारीक कटा हुआ और आधा कप हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। तो सारी चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे और आधा कप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे, और फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है और इसको कवर करके हम पकाएँगे गोश्त और आलू को उबलने तक, पकने तक, क्योंकि आलू भी जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और चिकन भी जल्दी से पक जाता है। फ्लेम को मीडियम करेंगे, इसको दूसरे फ्लेम पर ट्रांसफ़र करेंगे जब तक हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लीटर पानी को हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। जैसे इसमें बॉईल आएगा इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है दालचीनी, 4 टेबल स्पून नमक है, छोटी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही एक उबाल आएगा तो हम यहाँ पर आधा किलो चावल है बासमती, तो इसको मैं 1 घंटा पहले भिगो दी थी। तो चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम इसको इसमें चावल को डालेंगे, फिर से हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि इसमें हाई फ्लेम पे एक उबाल नहीं आ जाता। तो चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी है, उससे चावल हमारे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बनते हैं और बहुत जल्दी से पक भी जाते हैं। बस इसको हम कवर करके एक उबाल आने का वेट करेंगे, और जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा तो बस ये देखिए इस तरह से खुले इसको कवर नहीं करना है और ऐसे ही पकाना है जब तक कि चावल हमारा 100% कुक नहीं हो जाता। चावल 100% कुक हो जाए तो फिर इसको हम छान लेंगे और फिर हम मसाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तेल भी सरफेस पर आ गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे आधा टीस्पून के बराबर। तो इस बिरयानी में ऑरेंज फूड कलर ज़रूर जाता है, तो आप भी ज़रूर से ऐड करें। और कलर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने चेक करना है कि आलू और गोश्त गला है कि नहीं, तो अगर आलू और गोश्त गल गया हो तो इसको हाई फ्लेम पे भून लेना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम पे इसे पकते हुए देखिए 2 से 3 मिनट, 4 से 5 मिनट तक इसको जब तक पकाना है ये अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि बिरयानी में जो मसाला होता है बहुत ही ठीक होता है। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया, इसको हम साइड में रखेंगे। फिर हम मीडियम फ्लेम पर एक तवे को रखेंगे नीचे, फिर जिस पैन में हमने बिरयानी की लेयर लगाना है उस पैन को रखेंगे। तो सबसे पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे, तो चावल की हमेशा मैं 3 लेयर लगाती हूँ, और गोश्त की 2, गोश्त और मसाले की 2 लेयर। तो इसमें हमने
गार्निश के लिए पुदीना, धनिया, जो प्याज वगैरह हम डालते हैं इस बिरयानी में नहीं जाता है, तो आप भी ऐड ना करें ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हो तो आधा मसाला यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और फिर ये देखिए, आधा मसाला ऐड करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर चावल की एक लेयर लगाएंगे। तो ये चावल की भी एक लेयर लगाने के बाद फिर से मसाले की लेयर लगाएंगे और फिर से ऊपर चावल की लेयर लगाएंगे, क्योंकि ये बिरयानी देखिए इसका जो चावल होता है बिल्कुल वाइट होता है। इसमें आप पुदीना, धनिया और प्याज वगैरह ऐड ना करें और चावलों में भी कलर वगैरह ऐड ना करें, तो क्योंकि चावल का जो वाइटपन होता है बिरयानी में उसका अपना अलग ही लुक होता है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखती है, अच्छी दिखती है। रेस्टोरेंट वगैरह की बिरयानी इसी तरह की होती है कि उसका चावल बिल्कुल वाइट होता है और मसाला जो होता है वो अलग से होता है। तो अगर आप चाहें तो नीचे बिरयानी का पूरा मसाला और ऊपर चावल इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये परत वाली में मसाला बिल्कुल अच्छे से सब तरफ पहुंच जाता है। इसके ऊपर हम 4 से 5 टेबल स्पून घी डालेंगे या फिर आप ऑयल डाल सकते हैं। और फिर ये घी डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा फैला लेना है। और फिर देखिए घी भी मेल्ट होने लगा है, फिर हम इसके ऊपर एक कोई कपड़ा लगाएंगे या फॉइल पेपर आप लगा सकते हैं। और फिर ये देखिए ढक्कन लगाना है और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए दम देना है। तो यहाँ पर देखिए बिरयानी बहुत ही अच्छे से दम हो गई है, तो आप देख सकते हैं इसका लुक, चावल बिल्कुल अलग अलग है और बिल्कुल भी चावल टूटा हुआ नहीं है। बस इसको आपने बहुत ही आराम से मिक्स करना है, जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी ये बिरयानी बनी थी। आप एक बार बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो इसको आप सलाद, रायते या फिर कचूमर वगैरह के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी लगती है। तो उम्मीद है कि कराची बिरयानी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे देखिए गोश्त और आलू बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है।